हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बियॉन्ड। तो जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि हम अपने बच्चे को मंथ्स में पढ़ना और पहचानना, मतलब रीडिंग एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ मंथ्स नेम कैसे सिखा सकते हैं, उसी तरीके से आज मैं बताऊंगी कि हम अपने बच्चों को अकॉर्डिंग टू कैलेंडर, मतलब जैसे कैलेंडर में हमारे शॉर्ट फॉर्म्स में मंथ्स नेम लिखे होते हैं, वो हम बच्चों को कैसे सिखा सकते हैं ताकि बच्चा उसे अपने आगे डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सके। अगर बच्चे को कहीं पे डेट देखनी है, उसको डेट समझनी है तो वो उसको समझ सके, और अगर उसको कहीं पे डेट लिखनी है, अगर उसको नीड है कहीं पर डेट लिखने की, तो वो वहाँ पर उस डेट को उसके अकॉर्डिंग लिख सके। तो इस तरीके से हम बच्चों को आज बताएंगे कि हमारे मंथ नेम की जो हमारी शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं, जो हम मोस्टली यूज करते हैं हमारा डेट लिखने में या फिर कैलेंडर्स में मोस्टली वो यूज होती हैं, वो आज हम बच्चों को बताएंगे। तो सबसे पहले हम इस तरीके से, जैसे हमने पीछे उसमें प्रॉपर मंथ नेम का कार्ड दिखाया था, आज हम उसी तरीके से बच्चे को एक जो हमारी शॉर्ट फॉर्म होती है, जैसे जनवरी के लिए हम जे ए एंड यूज करते हैं शॉर्ट में, हमारे कैलेंडर्स में भी मोस्टली यही लिखा होता है जनवरी के लिए। और नीचे जो मैंने वन नंबर लिखा है वो इसलिए ताकि हमारा बच्चा इससे सीक्वेंस भी समझे, मतलब इससे हमारे बच्चे को हम ये भी सिखाएंगे कि जनवरी हमारा फर्स्ट मंथ है, मतलब जनवरी हमारा फर्स्ट मंथ है और जनवरी की शॉर्ट फॉर्म ये है। इसके साथ हम एक कैलेंडर भी रख सकते हैं जो हम बच्चे को दिखाते रहेंगे और उसमें भी हम बच्चे को ये दिखाते रहेंगे शॉर्ट फॉर्म। इस तरीके से हम बाकी सारे उसकी भी दिखाएंगे, जैसे फेब्रवरी, फेब्रवरी के नीचे यहाँ पे 2 लिखा है क्योंकि फेब्रवरी हमारा सेकेंड मंथ है। हमें बच्चे को सीक्वेंस भी बताना है ताकि बच्चा समझे कि हाँ फर्स्ट मंथ जनवरी होता है, जनवरी के बाद फिर फेब्रवरी आता है, फिर मार्च आता है। तो हमें बच्चे को सीक्वेंस भी बताना है मंथ्स का, सबसे पहले कौन सा मंथ आता है, देन उसके बाद फिर उसके बाद, इस तरीके से हम फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसी तरीके से जैसे मार्च के नीचे मैंने यहाँ पे थर्ड लिखा है, इसी तरीके से हम बच्चे को सीक्वेंस भी बताएंगे और इनकी शॉर्ट फॉर्म्स भी बताएंगे। जैसे मार्च के लिए हम एम ए आर यूज करते हैं, तो ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है। इस तरीके से हमें बच्चे को दिखाना है और उसके सामने बताना है कि ये मार्च, ये हम किस लिए यूज करते हैं, मार्च के लिए। ऐसे ही फेब्रवरी, एफ ई बी, ये हम किसके लिए यूज करते हैं, फेब्रवरी के लिए। इस तरीके से हमें बच्चे को बताना है उनकी मंथ की शॉर्ट फॉर्म्स एंड उनका सीक्वेंस भी बताना है। इसके बाद हम बच्चे के साथ कैलेंडर यूज कर सकते हैं, हम इसके साथ साथ भी बच्चे को कैलेंडर दिखाएंगे और उसके बाद जब बच्चा एक बार ये कर लेगा उसके बाद फिर हम बच्चे को कैलेंडर में दिखाएंगे। कैलेंडर में हम उसे मंथ्स दिखाएंगे और सीक्वेंस वाइज दिखाएंगे, मतलब सबसे पहले जनवरी, जनवरी के बाद फिर हम उसको दिखाएंगे कि देखो अब जनवरी के बाद क्या आ रहा है, फेब्रवरी, फेब्रवरी के बाद मार्च, मार्च के बाद अप्रैल। इस तरीके से हम बच्चे को सीक्वेंस में वो मंथ्स दिखाएंगे जिससे बच्चा मंथ्स के सीक्वेंस समझे। और पूरा नेम हम मंथ्स का बहुत कम जगह पे यूज करते हैं, अगर हम कहीं बाहर भी देखते हैं कि किसी डॉक्यूमेंट में या फिर कहीं पर भी, या तो हम मंथ का सीक्वेंस लिखते हैं कि कौन से नंबर का मतलब वो मंथ है, या फिर हम ये लिखते हैं कि उसकी शॉर्ट फॉर्म हम वहाँ पे यूज करते हैं। तो इसलिए हम बच्चे को मंथ्स की शॉर्ट फॉर्म सिखाना और उसका सीक्वेंस सिखाना बहुत इम्पोर्टेंट है। सो इस तरीके से हम बच्चे को सिखाएंगे और हम बच्चे को बार बार ये रिपीट करवाएंगे ताकि वो इस चीज़ को अच्छे से सीख जाए। हम उसको कैलेंडर भी यूज करवाएंगे इस चीज़ को दिखाने के लिए ताकि वो कैलेंडर में भी उस चीज़ को देखना सीख जाए। सो आज की वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू।